तो मैं बाइक को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये गाड़ी किस तरीके से दिक्कत हो रही है। देख सकते दोस्तों कि ये गाड़ी, इसकी जो चाल है, मतलब चाल रुक नहीं रही है। हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट होने के लिए करता है लेकिन स्टार्ट होता नहीं है। इस तरह की कंप्लेन आ रही है इस गाड़ी में। तो भाई ऐसा है ना कि ये बाइक स्टार्ट तो होती है लेकिन रेस नहीं पकड़ रही है, ऐसा हो रहा है। और कभी कभी स्टार्ट भी नहीं होती, इस तरह की फॉल्ट हो रही है इस बाइक में। तो मैं काफ़ी परेशान हो रहा हूँ, आखिर ये दिक्कत क्या हो रही है। मैंने इसके लिए करंट भी चेक किया, प्लग चेंज किया, फिर भी ये दिक्कत हो रही। करंट चेक किया प्लग में, प्लग होल्डर लगा कर मैंने हर तरीके से चेक किया, करंट बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है, करंट में बिल्कुल भी मिस नहीं है। फिर मुझे शक लगा इस कार्बोरेटर में, तो कार्बोरेटर को भी मैंने सफाई किया, एक बार किया फिर नहीं हुआ, फिर दो बार, तीन बार, मैंने तीसरी बार कार्बोरेटर को सफाई किया कि हो सकता है कि पेट्रोल सही से नहीं जा पा रहा हो, अंदर नहीं जा पा रहा हो, उसके वजह से भी ये दिक्कत हो रही हो। तो दोस्तों हर तरीके से मैं परेशान हो गया, मैंने पेट्रोल भी चेक किया, हो सकता है कि पेट्रोल सही तरीके से नहीं आ रही हो। तो मैंने इस पाइप को खोला और फिर एक डिब्बा लिया, एक बोतल लिया, और फिर मैंने यहाँ से इस एयर वाले पाइप को खींच कर मैंने यानी पेट्रोल चेक किया कि पेट्रोल सही तरीके से पूरी तरीके से आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। तो ये भी आ रही है, यानी कि जहाँ जहाँ मुझे शक हुआ वो मैंने काम कर दिया बाहर से। और मैंने फिर मैंने बैटरी भी चेंज करके देखा दोस्तों, इसका बैटरी भी मैंने दूसरा बैटरी लगाया और फिर भी ये कंप्लेन हो रही है। गाड़ी स्टार्ट होती है लेकिन ये रेस जब देता हूँ तो गाड़ी बंद हो जाती है, कभी रेस लेती है और यानी कि चाल जो है ना वो आरपीएम रुकता ही नहीं है। अगर गाड़ी स्टार्ट भी हो रहा है तो आरपीएम ही नहीं रुकता। अगर मैं चौक लेकर भी स्टार्ट करूं तो चौक लेकर भी स्टार्ट कभी होती है कभी नहीं होती है। तो बेवजह मतलब मैं परेशान हो रहा हूं और यहां पे फॉल्ट मुझे मिला दोस्तों। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें क्या कंप्लेन है। बोल नहीं रहा है, तो मैं इसका टाइमिंग चेक करके देखता हूँ पहले। तो यहाँ से हम इसका टाइमिंग चेक करेंगे। हालांकि चलते चलते गाड़ी का टाइमिंग ख़राब नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। ज़्यादा टाइमिंग चेन लूज है तो उनके वजह से हो सकती है, पर इस तरह की बाइक में ऐसे हमने कभी देखा नहीं है। ये हो गया टाइमिंग, इस टी को हमें यहाँ रखना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका टाइमिंग भी बिल्कुल ठीक ठाक है, टाइमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग चेन का टाइमिंग सही है। अब मैं इसका टैपिट चेक करके दिखाता हूँ। ये टैपिट भी पले हैं, ऊपर नीचे टैपिट भी पले हैं। चलो ठीक है, टैपिट पले है या नहीं है हम इसका कंप्रेसर भी चेक करके पता कर सकते हैं। आपको लगे कंप्रेसर सही है तो फिर हम ये सब दिमाग क्यों लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर छोटा सा एक प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है इस गाड़ी में। तो ये देख सकते हैं, ये एक पत्ती, तो ये जो पत्ती है ना दोस्तों, ये पत्ती नीचे लगा हुआ रहता है जबकि ये खुला हुआ है। और हमें ऐसा लगता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इससे क्या दिक्कत हो सकता है, पर दोस्तों इसी से ये दिक्कत हो रही है। गाड़ी स्टार्ट होती है कभी नहीं होती है, या हम रेस दे रहे हैं ऐसा लगता है कि गाड़ी स्टार्ट होने जैसा लगता है लेकिन होता नहीं है। अगर होता भी है तो रेस नहीं पकड़ता गाड़ी का, रेस नहीं पकड़ता और आरपीएम यानी कि रुकता ही नहीं है। तो ये दिक्कत दोस्तों इन्हीं की वजह से होती है। ये एक गवर्नर की तरह काम करता है, ये एक गवर्नर की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, इस पत्ती को हमें इसके नीचे लाना होगा। तो इस पत्ती को हमें इसके नीचे लगाना होगा जबकि ये बाहर हो चुकी है और इसके अंदर स्प्रिंग भी होता है, ये जंप करता है। देख सकते हैं जब मैं नीचे करता हूँ तो ये इस तरीके से जंप होती है, ठीक है। तो दोस्तों हमें यही काम करना होगा, इसी की वजह से ये दिक्कत आ रही है। चलो मैं ये करके दिखाता हूँ और फिर बाइक को स्टार्ट भी करके आपको दिखाऊंगा। थोड़ा हमें क्या करना है, इस पार्ट को हमें थोड़ा सा उधर करना है, ज़्यादा
प्लस जोर से नहीं करना, नहीं तो ये टूट जाएगी। चलो मेरे ख्याल से ये यूं ही उतर गई होगी, देख सकते हैं मैंने हल्का सा जोर लगाया तो ये नीचे चली गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें दबाना है। तो ये पट्टी जो है ना, दूसरे तरफ का जो नॉक होता है वो कैम शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये कैम शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है और ये अगर हट जाती है तो कैम शाफ्ट में ये जुड़ता नहीं है, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। चलो मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, फिर ये तो ये मैंने कर दिया, अब ये ऊपर की ओर नहीं जाएगी। चलो मैं ढक्कन को लगा के मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि अभी ये चाल बिल्कुल रुका हुआ है, गाय बिल्कुल सही है। अगर मैं रेस दूं तो चक्का भी पीछे से घूम रही है, देख सकते हैं। यानी गाड़ी का चाल जैसा होना चाहिए था वैसा ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी वीडियो देखे होंगे और आपने देखा कि मैंने किस तरीके से मुश्किल का सामना किया और काफ़ी समय लगा मुझे ये बीमारी पकड़ने में। तो ऐसा होता है दोस्तों हम लोगों के लाइन में कि बीमारी बहुत छोटी होती है और ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों कभी भी आपको अगर किसी भी चीज़ पे अगर आपको शक लगे, मैं इस पार्ट को खोला भी था, ठीक है, मैंने इस कवर को खोला भी था लेकिन मेरा नज़र उस पर नहीं पड़ा। मैं बस टैपिट को देख रहा था, इस टाइमिंग को देख रहा था पर मेरा उस पर नज़र नहीं पड़ रहा था। जब भी आपको ये शक लगे कि भाई इस तरीके से प्रॉब्लम इसके वजह से हो सकती है या फिर ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से क्यों पड़ा हुआ है, तो आप देखें, आप ध्यान दें उस पर और उसे सही करें, हो सकता है उसी में कोई फॉल्ट हो, ठीक है ना। आई होप किसी वीडियो के माध्यम से काफ़ी किसी वीडियो को मिला, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरीके से मेरा मुझे प्यार दें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।